Assalamualaikum everyone, this is Momina Sheikh. I'm 28 years old और अगर आप मेरी videos देखते हैं you know how passionate I am about skin care. So last two parts में हमने skin के favorites और makeup के favorites की बात की थी. So आज part 3 है, यानी आज बारी है hair favorites की, यानी कि वो कौन से मेरे top 7 products हैं hair के जो मैं बार बार use भी करती हूँ और repurchase भी करती हूँ. So बिना तखीर किए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं. सो वेलकम टू माई चैनल स्किन एंड मोर बाय मोमिना, जहाँ मैं आपको आपकी स्किन केयर आसान करके आपको बताती हूँ. मैं अपने पहले प्रोडक्ट की तरफ, यानी कि मेरा पहला फेवरेट प्रोडक्ट जो मैं बार बार यूज़ भी करती हूँ और परचेज भी करती हूँ, वो है ड्राई शैम्पू. आप रोज़ाना शैम्पू नहीं कर सकते, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी है. मैं खुद भी रोज़ाना शैम्पू नहीं कर सकती, मेरी लाइफ भी बहुत बिजी है. तो हमें इस चीज़ का सोल्यूशन चाहिए जब नेक्स्ट डे आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई लेकिन स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली होती है, तो आपको ड्राई शैम्पू यूज़ करना होता है. ड्राई शैम्पू करता क्या है, ड्राई शैम्पू सारा ऑयल सक कर लेता है और आपके बाल ऐसे ही फ्रेश हो जाते हैं जैसे आफ्टर शैम्पू जो है वो फ्रेश होते हैं. तो मेरा फेवरेट जो ड्राई शैम्पू है वो है ये सोप एंड ग्लोरी का रश आवर. ये ऑलमोस्ट, ये भी इस टाइम ख़त्म हो चुका है, मेरे पास इस टाइम अवेलेबल ही नहीं है. ये मैंने ऑलमोस्ट 3 से 4 शैम्पू यूज़ करके फेंक दिए हैं. सो कहीं बाहर जाना हो तो मैं ये सोप एंड ग्लोरी का यूज़ करती हूँ. अदरवाइज ये एक और ड्राई शैम्पू है रेवलॉन का. ये थोड़ा बजट फ्रेंडली भी है और इसकी पैकिंग भी थोड़ी बड़ी है, यानी ये थोड़ा लंबा चलता है. सो मैं इन दोनों को फ्रीक्वेंटली यूज़ करती हूँ और ये मेरा मोस्ट फेवरेट ड्राई शैम्पू है. चलते हैं मेरे सेकंड फेवरेट प्रोडक्ट की तरफ, जो मैं दोबारा रीपरचेज ज़रूर करूँगी लेकिन अगर वो ख़त्म हो गया. मैं बात कर रही हूँ इस शैम्पू के बारे में जिसका नाम है केराटिन थेरेपी शैम्पू. ये शैम्पू मेरा फेवरेट क्यों है, क्योंकि ये बहुत जेंटल है, बहुत रीज़नेबल है और ये बहुत क्वांटिटीज़ की बहुत ज़्यादा है, जल्दी ख़त्म नहीं होता. यानी अगर आप इसको डेली बेसिस पे भी यूज़ करें तो ये जल्दी ख़त्म नहीं होगा. शैम्पू को कॉम्प्लिकेट नहीं करना, क्योंकि शैम्पू का काम सिर्फ आपके बालों को साफ़ करना है. सो हमें एक जेंटल शैम्पू जिसके इंग्रेडिएंट्स अच्छे हो वो लेना है और वो यूज़ करना है. सो ये सल्फेट फ्री है, मेरे बाल डाइड हैं इसलिए मैं सल्फेट फ्री जो शैम्पू है वो यूज़ करती हूँ. अदरवाइज़ जो बालों का डाई है वो बिल्कुल बर्बाद हो जाता है सल्फेट्स वाले शैम्पू से. दिस इज़ माय मोस्ट फेवरेट शैम्पू. थर्ड फेवरेट प्रोडक्ट की तरफ, जो अगेन एक शैम्पू है लेकिन ये ब्लू शैम्पू है, ब्लू शैम्पू बाय को नेचर. सो ब्लू शैम्पू क्या करता है, अगर आपके बालों में हाइलाइट्स हैं या आपने बहुत लाइट टोन का कलर किया हुआ है, आप देखेंगे जब आप 3 से 4 दफ़ा शैम्पू करते हैं उसका कलर चेंज हो जाता है. अगर आपने ऐश करवाया है तो वो येलो टोन में आना शुरू हो जाता है और अगर आपने कैरेमल करवाया है तो वो ऑरेंज टोन में आना शुरू हो जाता है. सो को नेचुरल ने ये शैम्पू, ब्लू शैम्पू इसलिए निकाला है ताकि सलोन के ट्रीटमेंट के बाद भी वीक में सिर्फ एक दफ़ा यूज़ करने से आपकी हाइलाइट्स वैसी ही रहती हैं जैसी आपने करवाई होती हैं. सो मैं इसको वीक में एक बार या दो बार यूज़ करती हूँ और मेरी हाइलाइट्स बिल्कुल ठीक हैं, ना मेरे बाल डैमेज होते हैं और ना मुझे कोई परेशानी का सामना करना पड़ता है. सो अगर आपके बाल कलर्ड हैं या आपने हाइलाइट्स जो हैं बालों में करवाई हुई, ये शैम्पू आपके लिए मस्ट हैव है. चलते हैं अपने फोर्थ फेवरेट प्रोडक्ट की तरफ, जो कि एक हेयर ग्रोथ सीरम है. ये जेन फार्म का एनाग्रो हेयर ग्रोथ सीरम है. हेयर ग्रोथ सीरम जो है वो ऑयल से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं. ऑयल का काम है आपके बालों को सॉफ्ट करना, जबकि जो हेयर ट्रीटमेंट्स होते हैं वो आपकी हेयर ग्रोथ पर काम करते हैं, यानी आपके हेयर फॉल और हेयर ग्रोथ पर काम करने के साथ साथ आपके बालों को हेल्दी रखते हैं. और सबसे बड़ी बात, ये नॉन ग्रीसी होते हैं. सो मैं ये जेन फार्म का एनाग्रो हेयर ग्रोथ सीरम यूज़ करती हूँ आफ्टर शावर डैम्प हेयर पर, यानी टावल ड्राई बालों में इसको मैं स्प्रे करती हूँ. ये इतना इजी और कन्वीनियंट है कि इसको आप जस्ट स्प्रे करें और हल्का सा मसाज करें और ये जो है वो गायब हो जाता है स्किन में. ये फोम टेक्सचर में है, मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा रही हूँ. ये बिल्कुल ऐसे फोम
जो है वो निकलता है। आपको इस फोम को या तो डायरेक्ट स्कैल्प पर अप्लाई करना है या फिंगर्स पर अप्लाई करके ऐसे बालों के अंदर स्कैल्प पे मसाज करना है एंड यू आर डन। सो दिस इज माय मोस्ट फेवरेट हेयर ग्रोथ सीरम। सो चलते हैं अपने फाइव फेवरेट प्रोडक्ट की तरफ, जो कि ब्यूटीफाई बाय आमना की जो टिवॉल सीरीज है उनमें से दो प्रोडक्ट हैं। दीज टू, ये सीरम है और ये जो है वो स्प्रे है। बेसिकली ये करते क्या है, ये मेरे फेवरेट क्यों है, मैंने आपको अपनी हेयर वीडियो में बताया था कि बालों को मॉइस्चर प्रोवाइड करने से ज्यादा उसको लॉक करना जरूरी होता है। सो डैम्प बालों को जब मैं इस प्रोटेक्शन सीरम से जो है लॉक कर लेती हूँ, उसके बाद ड्राई होने के बाद हीट प्रोटेक्शन के साथ साथ डिटेंगलिंग स्प्रे भी यूज करती हूँ, ना मेरे बालों में बिल्कुल भी टेंगल्स होते हैं और ना हेयर फॉल होता है। जब आपके बाल उलझेंगे नहीं तो वो टूटेंगे भी नहीं। सो दीज टू प्रोडक्ट्स आई एम यूजिंग फ्रॉम 3 years नाउ। ते हैं अपने प्रोडक्ट नंबर 6 की तरफ। माई 6th फेवरेट प्रोडक्ट्स आर दीज सॉफ्ट जेल्स। ये एक सप्लीमेंट है, मैंने आपको एनाग्रो सीरम दिखाया भी और उसके बारे में बताया भी, लेकिन मैं उसको पेयर में यूज करती हूँ इन्हीं के सॉफ्ट जेल के साथ। इसमें कैरेटिन है, बायोटिन है, 10,000 mcg बायोटिन की जो मकदार है इसमें यूज की गई है, स्पेशली बालों में जब हेयर फॉल होता है या बालों की ग्रोथ नहीं हो रही होती तो आपको इंटरनल सपोर्ट भी चाहिए होता है बाहर के ट्रीटमेंट्स के अलावा। सो ये इस तरह की जो है पैकिंग में आते हैं। इनमें 30 सॉफ्ट जेल्स होते हैं जो आपने 30 days में ही कंज्यूम करने होते हैं, और ये अंदर से कुछ इस तरह दिखते हैं। और ये बहुत ज्यादा इसके जो रिजल्ट्स हैं वो विजिबल हैं। मैं इसको पेयर में यूज कर रही हूँ और इनके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। अगेन इनको बाय जरूर करूंगी, ये बालों के लिए बहुत अच्छे हैं। चलते हैं अपने लास्ट प्रोडक्ट यानी 7th प्रोडक्ट की तरफ, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है। वो है एक हेयर ऑयल यानी हिरा अली का मिरेकल हेयर ऑयल। ये हेयर ऑयल जो है वो ऑलमोस्ट मैं 2-3 साल से यूज कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा ब्लेंड है। ब्लेंड क्या होता है, जिसमें दो तीन किस्म के अच्छे ऑयल्स को यूज करके एक ब्लेंड बनाया जाता है बालों को हेल्दी करने के लिए। सो इसके अंदर रोजमेरी ऑयल है जो कि बालों की ग्रोथ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। इसके अंदर सनफ्लावर ऑयल है, कैस्टर ऑयल है, इसके अलावा इसके अंदर ब्लैक सीड यानी कलौंजी का तेल है। सो ये एक बहुत अच्छा ब्लेंड है। मैं वीक में एक दफ़ा इसको यूज़ करती हूँ और ये बालों को बहुत सॉफ्ट कर देता है और लिटिल बिट थिकर कर देता है। सो आई लव दिस ऑयल। ये थी आज की वीडियो। जाने से पहले मैं एक बात कहूँगी कि इस रमज़ान कोशिश करें कि कम ऑयली चीज़ें खाएं। मैं स्किन के बारे में आपको एजुकेट करती हूँ, इसलिए मैं आपको ये टिप दे रही हूँ कि बाय द एंड ऑफ रमज़ान, जब ईद आएगी, ऑयली चीज़ें खाने से आपकी स्किन पर ब्रेकआउट्स जो हैं वो होंगे। सो अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑयल जो है वो कम खाना है। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो को नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, आबाद रहें।